किचन में रखी हर एक छोटी से छोटी चीज हमारे भाग्य को इफेक्ट करती है, और यहाँ तक कि हमारे खाने में यूज होने वाले मसाले भी। जी हाँ, यह सच है कि मसाले हमारे खराब भाग्य को बदल सकते हैं। तो आप में से यदि कोई भी शख्स मसालों को खाना पसंद नहीं करता, तो अति आवश्यक है कि आप इसका सेवन शुरू कर दें। आइए जान लेते हैं कि कौन सी अहम वस्तुएं हमारे ना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि ग्रहों को भी सुदृढ़ बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौंफ और गुड़ की। सौंफ और गुड़ खाने से मंगल ग्रह सुदृढ़ होता है। सौंफ का संबंध शुक्र और चंद्रमा से है। अगर सौंफ का मिश्री के साथ सेवन किया जाए तो शुक्र और चंद्रमा मजबूत होते हैं, दांतों की बीमारी से निजात मिलती है, और वहीं पसीने की बदबू से भी छुटकारा मिलता है। सौंफ और गुड़ का सेवन करने से मंगल का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दालचीनी की। दालचीनी का सेवन भी आपके मंगल और शुक्र को मजबूती प्रदान करता है। वहीं काली मिर्च का नित्य सेवन करने से शनि मजबूत होते हैं। बात करते हैं जौ की। जौ के इस्तेमाल से सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों को बल मिलता है। हरी इलायची, हींग और अदरक बुध ग्रह को प्रभावित करती हैं। हींग का सेवन करने से वात और पित्त रोग खत्म हो जाता है। दूसरी ओर हींग क्रोध को भी नियंत्रित करती है। हल्दी से बृहस्पति ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, तो रात को सोते समय रोज हल्दी वाला दूध आपके सोए हुए भाग्य को चमका सकता है। वहीं जीरा राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप भाग्य को चमकाना चाहते हैं, तो सूर्य को मजबूत करें। सूर्य को मजबूत करने के लिए गेहूं की रोटी और गुड़ का सेवन रविवार के दिन करें। आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आपके किचन में छुपी हुई आपके भाग्य की कुंजी। ऐसी ही छोटी बड़ी बेहद अहम और खास जानकारी के लिए हमेशा याद रखें 9873963333 9815162742।